नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर सही चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी के स्वादिष्ट लड्डू। तो लड्डू बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड, हम एक बहुत ही आसान विधि से घर में लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। एकदम बाजार जैसे लड्डू आप घर में कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू बनाने से पहले सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1.5 कप शुगर। तो फ्रेंड अगर आप ज़्यादा मीठा लड्डू खाना चाहते हैं तो ही 1.5 कप शुगर डालें, वरना 1 कप डालें। 1 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और शुगर को हमें अच्छे से घोल लेना है और हमें हल्की चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच डाल देंगे इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लड्डुओं को अच्छा सा कलर देने के लिए मैं येलो फ्रूट कलर डाल रही हूँ, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप ऑरेंज फ्रूट कलर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं लड्डू येलो बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 पिंच के करीब फ्रूट कलर यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और हमें हल्की चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी को पकते पकते 3 से 4 मिनट हो गए हैं, देखिए चाशनी हमारी चिपचिपी सी हो गई है। इसमें एक तार बनने लगा है पर पूरी तरह नहीं बन पा रहा है, तो बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। इससे क्या होगा, हमारी चाशनी जो है वो जमेगी नहीं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चाशनी के अंदर। अब हम चलते हैं बूंदी की तरफ। तो फ्रेंड मैंने ये फीकी वाली बूंदी ली है जिससे हम रायता बनाते हैं, ये मैंने बाजार की बूंदी ली है। ये वाले 4 कप मैं बूंदी का यूज़ कर रही हूँ, ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं है। अगर आप नमक वाली बूंदी ले रहे हैं तो उसे पानी से एक बार धो लें, बस धोना है, भिगोना नहीं है, बस हल्का सा धोकर ही लेना है। तो ये बूंदी जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने एकदम फीकी बूंदी का यूज़ किया है और इसे चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। बूंदी डालते वक्त चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गर्म चाशनी में ही जो बूंदी है वो चाशनी को सोखेगी। अच्छे से मिक्स कर दें चाशनी के अंदर। चलाते हुए हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड, आप 15 मिनट में ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर चाशनी बूंदी के अंदर अच्छे से चली जाए इसके लिए बस थोड़ा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद हम वापस से चेक करेंगे। अगर बूंदी के अंदर शुगर जो है वो जम गई है तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लें। देखिए चाशनी जो है बूंदी ने सारी सोख ली है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है। आप बूंदी भी खा सकते हैं पर आज हम इसके लड्डू बना रहे हैं। तो मैंने 2 चम्मच खरबूजे के बीज लिए हैं, वो डाल देंगे। अब हम लड्डुओं को अच्छे से शाइन देने के लिए इसके अंदर डाल देंगे 1.5 चम्मच देसी घी। इससे लड्डू सॉफ्ट भी बनेंगे और लड्डू में बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी। तो मिक्स कर देंगे इसे, आप 2 से 3 चम्मच भी घी डाल सकते हैं। इस तरह लड्डुओं के अंदर देसी घी की अच्छी खुशबू भी हो जाएगी और लड्डू जो है खाने में टेस्टी बनेंगे। आप इसे मोतीचूर के लड्डू बनाना चाहते हैं तो मिक्सी में एक बार चला सकते हैं, पल्स पे चलाएं और फिर आप उसके लड्डू बांध सकते हैं। पर मैं बूंदी के ही लड्डू बनाऊंगी, तो मैंने हाथों को अच्छे से धो के साफ कर लिया है और ग्रीस भी कर लिया है और अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। तो फ्रेंड लड्डू आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बांध सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है, आप देख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बनाऊंगी, इसी तरह हम और लड्डू बना लेंगे। तो फ्रेंड घर में कोई पूजा हो, कोई फंक्शन हो, होली हो, दिवाली हो, तो आप घर में झटपट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी रहते हैं क्योंकि इसे हमने घर में बनाया है। तो आपने देख ही लिया है कि लड्डू बनाना कितना आसान है। देखिए हमारा
लड्डू तैयार हो गया। इसी तरह सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने सभी लड्डू बना लिए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं हमारे लड्डू। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे एक प्लेट में सर्व किया है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। और ये कितने सॉफ्ट बने हैं, ये मैं आपको लड्डू तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं। तो फ्रेंड, इस होली आप इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यह टेस्टी लड्डू कैसे बने। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।